अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह खुश रखे आपको, आपके अपने घरों में आबाद रखे। आज का ये मेरा पहला व्लॉग है, इंट्रोडक्शन व्लॉग जिसे कहते हैं, और साथ साथ मैं नर्सरी गई थी, वहाँ पर मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो सोचा अपने घर के सामने जो नर्सरी है उसका आपको विजिट भी कराती जरूर। प्लांट्स और पौधे वगैरह रखने का शौक़ हमारा ख़ानदानी है, यानी कि मेरे ननियाल से ये चला आ रहा है और मैंने इनहेरिट किया है, क्योंकि मेरी खालाओं को, मेरी अम्मी को बे इंतहा शौक़ था ये ग्रीनरी का और ये प्लांट्स वगैरह लगाने का। शादी के बाद सोचा था कि मैं भी पौधे वगैरह लगाऊंगी, अपने घर जाके अपना ये शौक़ पूरा करूंगी। फिर खैर से बच्चे हो गए, बच्चे अभी छोटे थे, इस वजह से काफ़ी दफ़ा ये शौक़ पूरा करने की कोशिश की तो कुछ मेरे बच्चे ख़राब कर देते थे, और जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से और जो बच्चे आते थे वो तोड़ फोड़ देते थे, फूलें वगैरह तोड़ देते थे, तो इस वजह से ये मेरा कभी शौक़ पूरा ही ना हो सका। और जब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो सोचा अब मैं अपना ये शौक़ पूरा करूँ। बड़े प्यार और लगन के साथ मैं नर्सरी गई और बहुत सारे वहाँ से प्लांट्स ख़रीदे अपने मतलब के, कुछ पुदीना ख़रीदा, धनिया वगैरह मैंने कहा था लगाऊंगी, हरी मिर्ची वगैरह, और कुछ फूलों वाले पौधे होंगे जिससे मेरा गार्डन महकता रहेगा। और शाम को मैं जाकर चाय पीऊँगी इनके सामने बैठकर और इनको भी देखती रहूँगी, आँखों की ठंडक होगी। और सुबह सुबह बंदा जाता है, ऑक्सीजन मिलती है और अपने प्लांट्स को पानी वगैरह दो, तो जिनको ये शौक़ होगा तो उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना पीसफुल और ये मज़ेदार शौक़ है ये। तो चलें जी, बहरहाल शौक़ तो हमारे चलते रहेंगे ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदगी है बंदा अपने शौक़ पूरे करते रहेगा इंशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने बारे में मज़ीद बताती हूँ क्या हाल हुआ मेरे पौधों का, ये आगे जाकर आप क्लिप्स में देख सकेंगे। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन मैंने व्लॉग बनाया है तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरा नाम है उरूज उस्मान और मेरी शादी को हो गए हैं खैर से 15 साल, और 3 बच्चों की मैं अम्मा हूँ, अम्मा ही कहेंगे अब तो, 3 बच्चे हो गए खैर से। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम फैमिली, सुन्नी फैमिली से ताल्लुक़ है और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बाय कास्ट मेरा ताल्लुक़ एक पंजाबी फैमिली से है, यानी कि चुनियोटी जिसे कहा जाता है आमतौर पर। शादियां हमारी फैमिली में अक्सर बरादरी में ही होती हैं, हमारा बिल्कुल लव मैरिज का रुझान नहीं है। अगर 100 में से किसी एक ने गलती से भी लव मैरिज करने का सोच लिया है तो बाकी ससुराल वाले उस बहू की इतनी वाट लगाते हैं कि उसको बिल्कुल घर बसने नहीं देते और नौबत तलाक तक आ जाती है। तो बस इसी तरह मेरी शादी भी हमारी अपनी बरादरी में ही हुई है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं, और मुझे भी पूरा हरा भरा ससुराल मेरा, जिसे स्टार परिवार कह सकते हैं, यानी कि देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंदे और सास ससुर सब माशाल्लाह हैं हमारे यहाँ। और मेरा नंबर 4th नंबर पे है, यानी कि मैं सबसे छोटी वाली देवरानी हूँ। तो देवरानी होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, बस ये तो ज़िंदगी में चलता रहता है। बाकी अपनी लाइफ के बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगी, और बस यही था मेरा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर एक पार्ट भी इसमें से कुछ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दिएगा। तो बाकी जो नर्सरी से मैं प्लांट्स वगैरह लेकर आई थी उसका आप हाल देख ही सकते हैं, ये मेरे बेटे ने मुर्गियाँ ऊपर पाले हुए थे, इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बच्चे तो मेरे बड़े हो गए हैं लेकिन एक मखलूक अभी बाकी है जिन्होंने मेरे पौधों को बर्बाद करना है। और जैसे ही पौधे आए इन्होंने एक एक पत्ता तोड़कर बर्बादी कर दी। जो पौधे ऊपर हैंग होने वाले थे वो तो इनके शर से बचे रहे, लेकिन जो नीचे रह गए काफ़ी दिन, तो मैंने उनका बहुत ख्याल रखा, इनके ऊपर छन्ना वगैरह दे देती थी ताकि इनकी पहुंच से दूर रहे, पर मैं कितने दिन इनका ख्याल रखती, आखिरकार जो होना था वो होकर रहा और इन्होंने मेरा पत्ता पत्ता बूटा बूटा अलग कर दिया। बहरहाल ज़िंदगी में ये खेल तमाशे तो लगे रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इसी दुआ के साथ ब्लॉग का अख्ताम करती हूँ, इन फूलों की तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।